हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अगो सिंह और आप देख रहे हैं हरी जंक्शन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने एक ट्राइपॉड बनाया, इमरजेंसी के लिए ट्राइपॉड बनाया, क्योंकि दिवाली के छुट्टी को आते समय मैंने मेरा ट्राइपॉड जो है वो पैक करके मेरे फ्लैट पे ही भूल आया था, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग के बहुत सारे बैग्स हो गए थे तो उसमें वो बैग भूल गया। तो ट्राइपॉड भूलने के कारण मुझे ट्राइपॉड की तो सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब भी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं होता तो मैं किसी तरह से सेल्फी स्टिक को एडजस्ट करके उसे शूट कर लेता हूँ। लेकिन इस बार सोचा कि सेल्फी स्टिक रखूँ कहाँ पर, क्योंकि मैं जहाँ पर सेल्फी स्टिक पर यूज़ करता था उसके लिए एक बेस वाला छोटा सा स्टैंड था। लेकिन इस बार सोचा कि मैं कुछ ऐसा परमानेंट स्टैंड बना लूँ जो कि दिखे भी अच्छा और उसमें से सेल्फी स्टिक रिमूवेबल भी रहे। तो मैंने मेरे पास एक फास्ट्रैक की वॉच खरीदी थी मैंने, तो उस वॉच का केस था, राउंड शेप का केस था। मैं आपको वीडियो में डेमो भी दिखा दूंगा कि उसके मैंने कैसे बनाया। अभी तो मैं लाइव डेमो बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो बहुत ईजी, आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो फास्ट्रैक का केस लिया मैंने, और घर में थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट पड़ा था कंस्ट्रक्शन के वक्त बचा हुआ, तो व्हाइट सीमेंट और थोड़ी सी मैंने सैंड यानी कि रेती यूज़ कर ली है। तो वो उसका मिक्सर बना के मैंने एक छोटा सा स्टैंड की तरह बना लिया है। मैं आपको उसका डेमो भी दिखा दूंगा। और ये मुझे बनाने के लिए सिर्फ 60 रुपीज़ इतना खर्चा आया हुआ है, क्योंकि मैंने जो सेल्फी स्टिक ऑर्डर की थी वो सेल्फी स्टिक मैंने पेटीएम पे ऑर्डर की थी, उसका मुझे 50% कैशबैक मिला था, जो कि 100 रुपये का प्राइस था, 50% कैशबैक मिल गया। तो 50 में मैंने सेल्फी स्टिक खरीदी थी। और जो मेरे फास्ट्रैक वॉच का केस आया हुआ है वो तो फ्री में साथ में ही आता है, वॉच यूज़ करने के बाद केस हम फेंक देते हैं। बहुत दिन से वैसे ही घर में पड़ा, तो मैंने सोचा इसको कुछ काम में ले लूँ। तो फिर वो केस मैंने काम में ले लिया, और उस केस को ही मैंने ट्राइपॉड का स्टैंड बना लिया। तो वो केस तो फ्री में आया हो, और जो व्हाइट सीमेंट मैंने यूज़ किया है वो लगभग 5 या 10 रुपये का व्हाइट सीमेंट होगा, जो कि हमारे घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे टाइल्स बिठाने के लिए व्हाइट सीमेंट जो यूज़ होता है वो बचा हुआ था, उसका एक छोटा पैकेट था, वो मैंने यूज़ कर लिया 10 रुपये वाला। और साथ में थोड़ी सी सैंड, जो कि सैंड आप कहीं से भी जहाँ पे आपके घर के अगल बगल कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, या तो फिर 10 रुपये की भी आप सैंड ले आओगे तो बहुत ज़्यादा होगी। तो उसमें मैंने एक छोटा सा ये ट्राइपॉड का स्टैंड बना लिया, और इसमें से मेरा ट्राइपॉड का जो सेल्फी स्टिक है वो सीधी तरह से बैठ जाती है, सेम लाइक ट्राइपॉड, उस पर हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं हम। और जब मतलब काम हो जाता है तो निकाल के रख भी सकता हूँ, मतलब सेल्फी स्टिक अलग और स्टैंड भी अलग। और स्टैंड जो है वो बक्से की तरह दिखता है, यानी कि इस प्रकार का कोई ऐसा पत्थर का ये नहीं दिखता कि इसे कैसे कैरी करेंगे। तो कैरी करने के लिए भी इजी है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने किस प्रकार से इसे बनाया है। अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, मेरे पास ये फास्ट्रैक का एक केस था, मैंने एक बहुत दिनों पहले एक वॉच खरीदी थी फास्ट्रैक की, तो उसके साथ ये केस आया हुआ था। और इस केस का मैंने बेस स्टैंड बनाया मेरे ट्राइपॉड के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने इसे किस प्रकार से बनाया है। तो ये मैं खोलता हूँ, और इसमें देखिएगा आप, थोड़ा सा मैंने व्हाइट सीमेंट यूज़ किया है, और व्हाइट सीमेंट के साथ सैंड थोड़ी सी, जो कि घर में हमारे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बची हुई थी, उसमें से लेके मैंने ये बना लिया है। तो ये फिक्स है, ये रिमूवेबल नहीं है, ये फिक्स है। और इसे हम कैरी आसानी से कैरी कर सकते हैं, अगर ट्रैवलिंग में कहीं पे इसको लॉक करके हमारे ट्रैवलिंग बैग में ट्रॉली में रख देंगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ मतलब सीमेंट का कुछ बना हुआ है, या तो फिर कुछ मैला होने का भी टेंशन नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि ये बेस स्टैंड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो हो गया बेस स्टैंड, ये ढक्कन निकाल के रख दूंगा मैं बगल में। और मेरे पास एक सेल्फी स्टिक है जो मैंने पेटीएम से खरीदी थी, ये सेल्फी स्टिक मैंने खरीदी थी लगभग 50 रुपये की, क्योंकि 100 रुपये में मैंने इसको ऑर्डर किया था और उस पर मुझे 50 रुपया कैशबैक मिल गया था। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रिप के साथ तो सीधा बैठेगा नहीं, तो इसका ग्रिप जो है सेल्फी स्टिक का ग्रिप, ये हम रिमूव कर लेंगे। ये रिमूवेबल होता है, ये आसानी से निकल जाएगा, और इसके बाद ये सेल्फी स्टिक इसमें हम ऐसे लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्राइपॉड तैयार, और इसमें हम इस प्रकार से मोबाइल भी लगा सकते हैं आसानी से, और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से इसमें मोबाइल लगा देता हूं, और वो अगर कुछ यहां पे गैप रहता है हिले ना, इसलिए मैंने एक पेपर का बार बना लिया और उसको मैंने यहां से अटैच कर दिया, और ये हो गया स्टेबल। और इसी तरह से मैं मेरा माइक भी इसे यहां पे लगा देता हूं, और सामने बैठ के वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो ये जो ट्राइपॉड का स्टैंड और ट्राइपॉड मैंने बनाया सेल्फी स्टिक के साथ, ये महज बनाया सिर्फ लगभग 60 रुपये पे, क्योंकि मैंने ये सेल्फी स्टिक 50 रुपये में ख़रीदी थी 50 रुपये के कैशबैक के साथ। और ये जो केस मिला है मुझे, ये केस मुझे फ्री में मिला है, मतलब फ्री में यानी कि वॉच के साथ ये केस आया हुआ था। और ये अंदर की जो वाइट सीमेंट और सैंड मैंने यूज़ किया है, ये वाइट सीमेंट जो है वो 10 रुपये का पैकेट था, और सैंड जो थी वो मेरे कंस्ट्रक्शन में घर में बची हुई थी, वो मैंने यूज़ कर लिया। तो बस 60 रुपीज़ में मैंने इतना अच्छा है ट्राइपॉड बना लिया, इमरजेंसी ट्राइपॉड इसे, और कहाँ पे भी मैं इसे कैरी कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।